डॉक्टर साहब साइड हो जाए ना मैडम मैडम आई एम इंशा फ्रॉम क्लास 12th एंड मैंने वैक्सीन किया है, दोनों डोज किया है एंड मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है क्योंकि मतलब जब हम ऑनलाइन क्लासेस देते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था, हमारी कोचिंग्स उनमें फ़ी भरते थे, उसके बाद भी हमें ऑनलाइन क्लास ही देनी पड़ती थी। तो जब से हमने वैक्सीन किया है तो हम कोचिंग्स में भी जाते हैं, स्कूल भी आ रहे, हमारे स्कूल भी खुल गया, हमारे जो फ्रेंड्स थे 3 साल से हम उनसे मिले नहीं थे, टीचर्स थे उनसे मिले नहीं थे, तो सबसे हम मिले, ये बहुत अच्छा है। मैं सब फ्रेंड्स को बोलना चाहती हूँ, सब स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, कि आप वैक्सीन करिए क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और जिन स्टूडेंट्स को इशू था कि हमें ऑनलाइन क्लास में कुछ समझ नहीं आता है, मतलब आई होप कि वो तो करेंगे ही। एंड अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोलता है इससे कोई प्रॉब्लम होगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे हमारी हेल्थ ठीक रहेगी अगर हम अपने फ्रेंड से मतलब रहेंगे अच्छे से, तो उनसे भी कोई मतलब प्रॉब्लम, वो तो अच्छा है। तो मैं चाहती हूँ कि सब करें। ये जो हमने ये ड्राइव स्टार्ट करी, इनफैक्ट हमारे पूरे भारत में ये हो रहा है, आज स्टार्ट हो गया है ये। हमने 12+ से जो 12 to 14 ईयर्स एज ग्रुप को, इससे पहले हमने, आपको जो पता है आप हमारे साथ साथ हर वक्त होते हैं, कि अभी तक जो रहा कि उनका जो वैक्सीनेशन हुआ अच्छे से हुआ, एल्डरली था, फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, चाहे आप कोई भी था, तो अच्छे से वैक्सीनेशन हो गई। और जो मिथ्स थे, जो र्यूमर्स थे आपके, हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारा साथ दिया, वो कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए, वो जो रिमोर्स है वो दूर करने के लिए। आप देखिए 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिला, कोई रिएक्शन नहीं हुई, कोई माइनर, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई। और वैक्सीनेशन का एक फ़ायदा है कि जो थर्ड वेव हमें दिखी भी नहीं कैसे आई और कैसे गई, उसका यही एक रीज़न था कि लगभग सारे लोग वैक्सीनेटेड थे और SOPs का हमने पालन किया। नहीं नहीं नहीं, अभी यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है और इंशाल्लाह हम बच के रहेंगे। अगर लोगों ने वैक्सीन लिया और SOPs को मेंटेन किया और इंशाल्लाह हम उससे बच के रहेंगे। सर, डायग्नोस सेंटर, कुछ डायग्नोस सेंटर जो जहाँ पर रेट्स की फ्लक्चुएशन हो रही है, सर वहाँ पर कोई हमें ये देखने को? नहीं नहीं, हमने पूरे CMO उसको डायरेक्शंस दिए हुए हैं, हमारे टीम जा रहे हैं, इसका हम एक अगर कहीं जाती हो हमें वो हमारी नोट्स में लाया जाए, हम उनको एक्शन करेंगे। सर, आप हाँ, ये दो हमारा आज जो है, आज हमारा 3 लाख+ टारगेट है, 3,36,000 बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे, हर एक ब्लॉक पे, हर एक सब सेंटर लेवल तक वैक्सीन पहुंचाया गया है, हमारी टीम्स उधर है। पेरेंट्स से यही गुजारिश है वो आए, अपने बच्चों को वैक्सीन कराए, उन्हें प्रोटेक्ट कराए और उन्हें स्कूल जाने का मौका दें।